राजनीति में छात्र संघ चुनावों को लेकर हरियाणा में आवाज उठ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की छात्र इकाई इंसो के जरिए प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसो के दिग्विजय चौटाला वो आमरण अनशन पर बैठे और उनके इस प्रदर्शन को लेकर दूसरे जो संगठन है छात्र संगठन, जिसमें खासतौर से एवीबीपी की बात की जाए और एनएसयूआई की बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि राजनीति कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर बात की जाए तो इसको लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इस तरह की बयानबाजियां गलत हैं, बल्कि इन छात्र संगठनों को भी उनके साथ धरना प्रदर्शन में शामिल होने चाहिए। और दूसरी तरफ जब ये आरोप लगे कि राजनीति की जा रही है, इसके जरिए कुछ और इससे और चीजें खराब होंगी, तो फिर दिग्विजय चौटाला ने एक और ऐलान किया कि वो चौधरी देवीलाल की नीतियों पर अमल करते हुए पहली बार, जब पहले अगर ये चुनाव होते हैं और पहले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इस तरह की तमाम चीजें निकलकर सामने आई। तो वहीं बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के और प्रवक्ता हैं, बीजेपी के और नेता हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लेकर सवाल खड़े करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं, इंसो को लेकर कहते हैं, इंसो के नेताओं से कहते हैं कि आप अपने नेताओं से पूछें, अपनी पार्टी के नेताओं से पूछें कि जब आपकी सरकार थी तो आपने छात्र संघ चुनाव को लागू क्यों नहीं किया। कांग्रेस की भी सरकार रही प्रदेश में 2000 की अगर बात की जाए, 2000 से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, तो तीनों जो पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां हैं हरियाणा में, बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो, सभी की सरकार रही, सभी छात्र राजनीति को लेकर ये कहते हैं कि इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, छात्रों को आगे आना चाहिए, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि यहीं से ही तो भविष्य के नेता पैदा होते हैं। लेकिन अपने वक्त में छात्र संघ चुनाव को कराने की हिम्मत, छात्र संघ चुनाव को कराने का साहस ये राजनीतिक दल क्यों नहीं कर पाए। बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो वादा किया था और उसके वादे को निभाएंगे भी, एक पत्र अभी जारी भी किया है, कुछ देर पहले की बात थी। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, लेकिन दिग्विजय चौटाला ने यह कहा कि अगर ऐसा लगता है किसी को कि वो राजनीति कर रहे हैं तो वो पहले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। हरियाणा में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की छात्र इकाई प्रदर्शन कर रही है। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके साथ उनके करीब 8 साथी भी अनशन पर हैं। सरकार की तरफ से छात्र संघ चुनाव कराए जाने की बात कही जा चुकी है, लेकिन दिग्विजय चौटाला का कहना है कि इसके लिए लिखित में दिया जाए, सभी विश्वविद्यालयों को नोटिफिकेशन जारी किया जाए, सिर्फ आश्वासन देने से वो अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। जब तक सरकार पूरी प्रक्रिया नहीं करती, हमारा अनशन जारी रहेगा। तो वह इंसो के इस प्रदर्शन को लेकर विरोधी उस पर हमलावर है कि इसके जरिए सिर्फ राजनीति की जा रही है, विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। जिस पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये गलत बयानबाजी है, दूसरे छात्र संगठनों को भी उनके साथ धरने पर बैठना चाहिए। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने ऐलान किया कि वो चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए पहले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो वहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि इन सुनेताओं को अपनी पार्टी से पूछना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं लागू किए, जबकि हमारी सरकार ने वादा किया है कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। ऐसे में अहम बात यह भी है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर हर पार्टी ने कहा कि ये होने चाहिए, लेकिन पिछले 21 साल में क्यों कोई पार्टी इन चुनावों को लागू करने का साहस नहीं कर पाई। अब देखना होगा कि बीजेपी कब अपना किया गया वादा पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।